और यहां पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक काम हुए हैं, जो हमारे प्रदेश में और हमारे देश में अनगिनत काम हुए हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो काबिले तारीफ है। मोदी सरकार का मुख्य लक्ष्य गरीब कल्याण, भ्रष्टाचार मुक्त, सशक्त भारत बनाना है। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं हमारे देश में एक ही गारंटी चलती है और वो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के साथ साथ कार्य सम्राट है। वो जो भी कार्य हाथ में लेते हैं उसे डंके के चोट पर पूरा करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए हैं उसे पूरे किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी वचन दिए हैं उसे पूरे किए हैं, और आप जानते हो जो भी वचन देते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं देश में सबसे बड़ा काम हमारे देश के दो अंग थे उसे जोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। आप जानते हैं जम्मू और कश्मीर धारा 370 और 35 को हटाकर भारत का एक अंग बनाया है, और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। हमने सपना देखा था मुक्ति का, संघर्ष किया और उसे किसने साकार करके दिखाया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए द्वार खोल दिए, ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है। सच बात यह है कि सारा संघर्ष अपनी जगह पर, सारी लड़ाई अपनी जगह पर, लेकिन ये सूख कर ही ना आती अगर ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना होते। दोस्तों, हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन आया और वो स्लोगन सुनते ही विरोधियों की हवा टाइट हो गई। अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 बार, एक बार जोर से, अब की बार ये आवाज सुन के ही उनकी हवा टाइट नहीं, हवा निकल गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो ना समझ होकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करके विरोध बोलते हैं, उनको ये पता नहीं है कि आसमान पर देख के थूकोगे तो पलट कर वो थूक सीधा खुद के मुंह पे गिरने वाला है। हम सभी लोग को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट कर उनको वोट देकर इन विरोधियों को करारा जवाब देने पड़ेगा। मैं आप सभी से विनती करता हूं, आप सभी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट करना है, कमल को वोट करना है, भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है और माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाना है और उनके अधूरे सपने को पूरा करना है। हमारे बीच हमारे लोकसभा के उम्मीदवार अभी तक आए नहीं है, हमें उनको वोट करना है 7 तारीख को सुबह, हमारे परिवार के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे मित्रों के साथ जाकर सुबह
भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है और उनको कमल के निशान पर बटन दबाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को विजयी बनाना है। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए K29 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।